नमस्कार, मैं प्रिया धराधरती, इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। भारत और वियतनाम ने 8 जून को 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरे और पैमाने को और व्यापक आधार देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। भारत और वियतनाम ने दोनों पक्षों की सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए एक रसद सहायता समझौते पर साइन किया है। चुनावी दौर से गुजरने जा रहे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को पार्टी ने प्रदेश इकाई और सभी मोर्चों को भंग कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आपने चुनाव से पहले इकाई भंग करने का फैसला लिया है। अप्रैल में हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी ने इसी तरह का एक्शन लिया था। दोनों राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ने की अनुमति दे दी है। इसे आम लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल यूपीआई डेबिट कार्ड के जरिए सेविंग्स या करंट अकाउंट में जुड़ सकता है और इसी के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब इसमें क्रेडिट कार्ड का भी विकल्प मिल गया है। आरबीआई की नई सुविधा से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इसके साथ यूजर को पेमेंट का नया विकल्प भी मिलेगा। सशस्त्र बलों में भर्ती की कोशिशों में जुटे युवाओं के लिए सरकार बुधवार को बड़ा ऐलान करती देखी गई। खबर है कि बदलाव के बाद नई व्यवस्था के तहत जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये अवधि खत्म होने के बाद सरकार ने बड़ी राशि देने का भी फैसला किया है। साथ ही इनमें से करीब 25% को सेवा में दोबारा एंट्री मिल जाएगी। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू के लिए बुधवार को अंतिम अरदास रखी गई थी। हमलावरों ने 29 मई को जवाहर के गांव में गायक के गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबर है कि अब तक 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़े नेताओं का मूसेवाला के आवास पर पहुंचना जारी है। मंगलवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सिंगर के परिवार से मिले थे। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि लोग ऑनलाइन उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। इतना ही नहीं, पाटीदार नेता को मिल रही धमकियों के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का भी फैसला किया गया है। पटेल ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया था। खालिस्तान समर्थकों ने फिर से सिर उठाने के संकेत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी और पंजाब से सटे राज्यों के पुलिस बल साझा काउंटर रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। खालिस्तान समर्थक तत्वों को चिन्हित करना, संदिग्ध आतंकी गतिविधियों पर मिलकर इनपुट जुटाने और कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही इनसे निपटने के लिए पुलिस बलों के साझा प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। मानसून की गति अरब सागर के पास कमजोर पड़ने की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में अभी इसे पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उधर झुलसाती गर्मी ने पूरे देश के लोगों का बुरा हाल कर रखा है। सबकी निगाहें अब मानसून के आगमन पर टिकी हुई है। दिल्ली एनसीआर में मानसून कब दस्तक देने वाली है, इस बारे में भी मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। इससे पहले उसने भारत की 2022-23 की आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रहने का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर मंगलवार को अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में कहा है कि उसने वर्तमान में मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं और भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कम किया है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 1881 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। एक ही दिन में कोविड के नए मामलों में 81% का उछाल देखा गया, जो कि चिंता में डालने वाली बात है। 18 फरवरी के बाद से मंगलवार को सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक BA.5 का केस भी रिपोर्ट हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना का ये ट्रेंड खतरे की घंटी है। कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगी। ईडी ने उन्हें नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया गया है कि 2 जून को सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसलिए उन्होंने नेगेटिव होने तक पेशी से छूट देने की मांग की है। वो अब तक स्वस्थ नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। चुनाव आयोग ऐसी संभावनाएं तलाश रहा है जिससे दुरुस्त राज्यों में रह रहे लोग भी अपने राज्य के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग का ये प्रयास सार्थक हुआ तो आप देश के किसी भी कोने में हो मताधिकार का प्रयोग जरूर कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मतदाताओं के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद दुरुस्त मतदान की संभावनाएं तलाशना शामिल है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के जून 2022 की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट 4.40 से 0.50% बढ़कर 4.90% हो गया है। ये करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है, जिसके चलते लोन महंगा हो जाएगा। बता दें कि सोमवार से चल रही 3 दिनों की बैठक के बाद आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके लिए निर्णयों की जानकारी दी है। मुंबई की खार पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ धारा 353 के तहत दर्ज दूसरी FIR में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। वहीं बोरीवली कोर्ट ने राणा दंपति को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। मामले में अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी। भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ कहे जाने वाले मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिताली राज पिछले 23 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी। अब बुधवार को 39 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कहा। मिताली ने 2 दशक के लंबे चले अपने क्रिकेट करियर में पूरी तरह से राज किया है। वो भारत में महिला क्रिकेट की पहचान है। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 5 और बिहार में 2 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में कोरोना की लहर आने वाली है। कोरोना के नए केसों में अचानक से उछाल आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी अमेरिका में कोविड संक्रमण के रोजाना 1 लाख नए मामले आ रहे हैं और औसतन 300 लोगों की जान जा रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरियंट BA.4 और BA.5 के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल इकाई में व्याप्त कलह और गुटबाजी को खत्म कर सभी नेताओं को एकजुट कर 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी अभियान में जुट जाने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं। नड्डा बुधवार को दोपहर 3 बजे दक्षिण कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में पश्चिम बंगाल भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ करते देखे गए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की शुरुआत की। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2030 तक भारत को टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। आने वाले समय में भारत एयर स्पोर्ट्स को ग्लोबल हब बनकर उभरेगा, जो देश को 10,000 करोड़ वार्षिक राजस्व और युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। बीते मंगलवार की रात मेरठ के प्रांतीय नचौंदी मेला स्थित पटेल मंडप में लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। वो अपने दोनों भाइयों और टीम के साथ कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान मैथिली ने कई शानदार लोकगीतों और भजन की प्रस्तुतियों को पेश किया है। मैथिली के गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के बाद मैथिली ने बताया कि उनका मेरठ आना पहली बार हुआ है। वो मेरठ आने को लेकर बहुत उत्सुक थी। मैथिली ने अपने आमंत्रण के लिए नौचंदी मेला समिति और जिलाधिकारी समेत जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पूर्व महानिदेशक जयंतो नारायण चौधरी ने दावा किया है कि भारत अपने पूर्वोत्तर में सुरक्षा के मुद्दे को नियंत्रित और प्रबंधन कर पाया, क्योंकि इसमें बांग्लादेश का भी योगदान है, जिसने बहुत मदद की है। बांग्लादेश की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चौधरी ने कहा कि पड़ोसी देश सुरक्षा के मामले में भारत का शानदार साझेदार रहा है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया। इसका कारण बढ़ती महंगाई, आपूर्ति व्यवस्था में बाधा और रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक स्तर पर तनाव को बताया गया है। ये दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान को संशोधित किया है। जम्मू और कश्मीर में ग्लेशियर झीलें खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है, जिससे इन ग्लेशियरों के आसपास रहने वाली आबादी को खतरा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और नेपाल में ग्लेशियर झीलों और जलाशयों में 40% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक गंभीर खतरा है। ग्लेशियरों के पिघलने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार और हिमाचल प्रदेश को खतरा है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 5,233 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 3,345 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कोरोना के कुल मामले 4,31,90,282 हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामले 28,857 है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना से अब तक देश में 5,24,715 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से हमला बोला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में की गई अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर सवाल किए हैं। स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 1 जून 2022 को 10 सवाल पूछे थे। आज तक उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पलामू में विशेष एमपी एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है। लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू में विशेष एमपी एमएलए अदालत में पेश होने के बाद उनके वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए कोर्ट ने 6,000 का फाइन देकर उन्हें मुक्त कर दिया और मामले को निष्पादित कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद के लिए पात्र होंगे। पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में अमेरिका स्थित संस्थानों के एक सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर है। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल ही में प्रकाशित 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और इस दिवस पर कई मायनों में हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार भारत 116 लोगों की सूची में 101वें स्थान पर है। इस मामले में अब वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। साल 2020 में भारत 94 स्थान पर था। सुप्रीम कोर्ट में देश में भुखमरी से हो रही मौत के मामले में याचिका लंबित है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, लाल बाबू कुमार, सुशील एन एस जी, राजकुमार प्रसाद, दिलखुश राज, इंडियन बॉयज, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप राम, चंद्रदेव यादव, दीपक कुमार, सुनील कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच क्या आपके आसपास लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।